इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, जिनका टेन्योर 2027 तक था, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। आप सब याद करिए, अरुण गोयल जी वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया था। ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। जब इनकी अपॉइंटमेंट का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, व्हाट वाज द टियरिंग हरी के फाइल शुरू भी हो जाती है, पुटअप भी हो जाती है, अप्रूव भी हो जाती है मात्र 24 घंटे के अंदर। तो एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया, जो उनका आदमी था, जिसके अपॉइंटमेंट को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, आज उस इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने ऐसा क्या करने को कह दिया अरुण गोयल जी को, ऐसी क्या इलेक्शंस में हेरा फेरी करने को कही कि उनका अपना आदमी भी कर नहीं पाया और उसने सोचा कि इस्तीफा देना उससे बेहतर रहेगा। आप सब याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अनिल मसीह को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। वो अनिल मसीह जिसने सीसीटीवी कैमरा के सामने 8 वोट जो इंडिया अलायंस के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार को पड़ रहे थे खुद डिफेस किया। वो अनिल मसीह जिसने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसने वोट पर, बैलेट पर गलत तरीके से पेन के निशान लगाए थे। वो अनिल मसीह जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह अनिल मसीह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इलेक्शन की चोरी करवाने की कोशिश की गई, क्या ऐसा ही कुछ अरुण गोयल जी को कहा जा रहा था? आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूं कि वो पूरे देश को ये बात बताएं कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया। एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर ने जो उनका आदमी था, एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जिसको अपॉइंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, ऐसा उनको क्या कह दिया गया, ऐसा क्या गलत काम करने को कह दिया गया लोकसभा इलेक्शन में कि उनका अपना आदमी तक वो काम कर नहीं पाया और 2027 तक के अपने टेन्योर को छोड़ के बिना किसी स्वास्थ्य की परेशानी के कल शाम उसने इस्तीफा दे दिया।